संसार ने और जिस उद्देश्य से भगवान का अवतरण हुआ था, धर्म की संस्थापना, धर्म के बाधक, धर्म व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने वाले कंस वध के निमित्त अवतरण होने की जो भूमिका थी, उस भूमिका में प्रथम योग माया का अवतरण हुआ। योग माया कंस के हाथों से छूट करके आकाशगामिनी के रूप में वह विंध्याचल चली जाती है। ये वही विंध्याचल है जिसके लिए अगस्त जी महाराज से एक जुड़ी हुई विशेष प्रासंगिक कथा है। विंध्याचल किसी समय देवर्षि नारद के अचानक आने के साथ अतिथि का उचित सत्कार करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, इस सोच के अनुसार स्वागत सत्कार के बाद जब वो बैठे हुए हैं तो देवर्षि नारद थोड़ा गहरी सांस ले रहे हैं, उदास से दिख रहे हैं। उस समय विंध्याचल ने पूछा है, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं, आप इतनी लंबी श्वास क्यों ले रहे हैं? उस समय देवर्षि नारद ने कहा, बात यह है, मैं घूमते घामते सुमेरु पर्वत गया। सुमेरु पर्वत की महिमा में मैंने जब चारों तरफ दृष्टि डाली तो इंद्र, यम, वरुण आदि लोगों को देखा। गंधमादन जैसे छोटे छोटे पर्वतों की भी वृद्धि देखी, खुशहाली देखी। मैं सोचने लगा कि जब से भगवान आशुतोष शिव ने हिमालय को अपने संबंध के साथ विशेष निवास के रूप में स्थान दे दिया, तब से हिमालय अपनी प्रगति में, अपनी समृद्धि और वृद्धि में, उत्कर्ष में बहुत आगे बढ़ गया। आज सुमेरु पर्वत की ही महिमा पर्वतों में विशेष रूप से जानी जाती है। आपके बारे में क्या कहूं? नारद जी विंध्याचल थोड़ी देर के लिए मान लें, आदि भौतिक रूप के साथ आदि दैविक रूप भी जुड़ा हुआ है। गंगा की जब आप बात सुनते हैं तो एक गंगा जो प्रवाह के साथ दिख रही है, गंगोत्री से जिसका प्रारंभ और इसी के साथ जो गंगा सागर में जाकर अपने प्रवाह में शांत हो जाती है, ये आदि भौतिक रूप है। इसी के साथ गंगा का एक आध्यात्मिक रूप भी है जिसको हम ज्ञान गंगा के नाम से जानते हैं। गंगा अपने जल से निर्मल करती है, जल प्यास बुझाता है, जल दोष को दूर करता है भौतिक रूप में, और आध्यात्मिक रूप से गंगा हमारे ज्ञान गंगा के रूप में चित्त में बैठे हुए अज्ञान को धो देती है। जीव को जीवत्व देने वाली जो अज्ञान की व्यवस्था, इस दोष को वो हटा देती है। इसी के साथ जीव
अपने आप में शिवत्व की अनुभूति करता है। जीव अपने में ही शिव का दर्शन करता है, उस शिवत्व को प्राप्त कराने वाली ज्ञान गंगा है। तीसरा उसका रूप है आदिदैविक। जिस आदिदैविक रूप में आपने ब्रह्म सदन में, ब्रह्मा की सभा में जब देवगण बैठे हुए थे, राजा भिषक थे, वहां पर गंगा उपस्थित थी और वही गंगा शापित होने के कारण, कहानी सुन चुके हैं, संक्षेप में बता रहा हूं, भिषक की तरफ दृष्टि जाती है और भिषक उसकी तरफ देखते हैं। सभा में ऐसा लगा कि भिषक के मन में गंगा के प्रति कुछ शिष्टाचार से हट करके दृष्टि है और गंगा को देखने के साथ लगा कि गंगा भी मानो कहीं भिषक की तरफ अपनी विशेष भाव दृष्टि के साथ देख रही है। गंगा वहां शापित हुई। वही गंगा जब अवतरित होती है शापित होने के साथ, तो उसका एक रूप, रूपांतरित रूप, संतनु के साथ विवाह में आप सबने सुना घटित हुआ। वही गंगा भीष्म के जन्म के बाद मानवीय रूप धारण कर लेने के साथ, जब एक निर्धारित व्यवस्था थी, शर्त थी, उस शर्त के अनुसार गंगा भीष्म को जन्म देने के साथ जब जाने लगी और भीष्म को भी अपने नियम के अनुसार गंगा के प्रवाह में डुबोने का उद्योग करती है, शांतनु ने रोका है और उसी के साथ गंगा ने कहा कि अब मैं यहां नहीं रहूंगी। ये गंगा का आदिदैविक रूप है। इस आदिदैविक गंगा के उदाहरण के रूप को बताते हुए विंध्य पर्वत, पर्वत क्या बात करेगा, पर्वत क्या अपने अंदर अमर्ष की अनुभूति करेगा, अपने में क्या ईर्ष्या की अनुभूति करेगा। पर्वत को तो आप देखते हैं कि वह तो कहीं पत्थरों का एक विशेष ऊंचा रूप है, कहीं मिट्टी का पहाड़, कहीं पत्थरों का पहाड़। मिट्टी और पत्थर के रूप में इस पहाड़ में, जिसको सामान्य रूप से हम सब जड़ देखते हैं, उसमें क्या कल्पना कर सकते हैं कि वह सुख दुख की बात करेगा। लेकिन जब ये बात है, जब ये कथा है, तो इस कथा के साथ एक बात मान लेनी होगी कि इनका अपना एक आदिदैविक रूप भी है। उस आदिदैविक रूप के साथ देवर्षि नारद के साथ संवाद हुआ। विंध्य पर्वत के मन में सुमेरु पर्वत के प्रति बहुत अमर्ष पैदा हुआ है। अपनी महत्ता को सिद्ध करने के लिए और महत्ता को अपने आप में पाने के लिए विंध्य पर्वत ऊपर उठने लगा। देवर्षि नारद ने कहा था सुमेरु की इतनी महिमा है कि जगत को प्रकाश देने वाले सूरज भी सुमेरु की परिक्रमा करते हैं। आप
को देखकर मैं कुछ कह नहीं पाता, आपको देखने के साथ आप के भी जीवन में उत्कर्ष हो ऐसा मैं जरूर चाहता हूँ। इस बात से प्रेरित होकर के जब बिंद पर्वत उठने लगा, सूरज की गति रुक गई, चारों तरफ प्राणियों में आकुलता व्याकुलता पैदा हो गई, देव समुदाय व्यथित हो उठा। कहते हैं देव समुदाय भगवान ब्रह्मा के पास गया, ब्रह्मा सहित भगवान शंकर के पास गए और भगवान शंकर ने भगवान नारायण के पास चलने का प्रस्ताव रखा। भगवान नारायण ने कहा बिंध्य पर्वत के बढ़ते हुए इस रूप को कोई समर्थ महाशक्ति का साधक ही रोक सकता है। समर्थ ऐसा कौन साधक है जो बिंध्य पर्वत के इस बढ़ते हुए रूप को नियंत्रित कर सके। इस पर चिंतन हुआ और भगवान विष्णु ने कहा काशी में अगस्त्य है, अगस्त्य ही अपनी तपस्या में इतने सक्षम है और बिंध्य पर्वत उनको बहुत आदर और सम्मान के साथ देखता भी है। महर्षि अगस्त्य के पास निवेदन करना चाहिए। ये वही महर्षि अगस्त्य हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में श्री विद्या के बहुत बड़े साधक हैं। श्री विद्या साधना में कुछ अपनी साधना की विशेष विधियां हैं, मंत्रों के रूप की भी अपनी एक विधा है जिसमें कादि हादि आदि की चर्चा है। कादि विद्या के आचार्य बहुत बड़े सामर्थ्य से संपन्न अगस्त्य मुनि देवताओं के प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं। इस क्षेत्र में रहकर इस क्षेत्र की विशेषता रही है संपूर्ण शक्तियों का विकास, संपूर्ण शक्तिपीठों के अस्तित्व की एकमात्र आधारभूता शक्ति महाशक्ति सती इसी क्षेत्र में जन्मी थी, इसी क्षेत्र में उसने लीला की थी, इसी क्षेत्र में भगवान शंकर को अपनी विशेष शक्तियों के रूपों को दिखाया था। 10 महाविद्याओं की जो परिचर्चा है उनको मूर्त रूप में बाबा जी ने यही देखा था। इसी भूमि में अगस्त्य जी महाराज, इसको गंगा द्वार भी पुराणों में कहा गया है, हरिद्वार और हरद्वार दोनों ही इसके बहुत अर्थपूर्ण नाम हैं। बहुत लंबे समय तक साधना की, फिर वो काशी गए। शिव और शक्ति, शक्ति का ये क्षेत्र और बाबा जी का निवास, परम प्रिय निवास तो उनका कैलाश ही है, लेकिन लौकिक लीलाओं के लिए, लौकिक दायित्वों को पूरा करने के लिए बाबा जी ने काशी को अपना विशेष क्षेत्र बनाया है। 3 लोक से न्यारी काशी। कहते हैं प्रलय काल में भी काशी का व्यक्तित्व नष्ट नहीं होता, काशी रहती है। उस काशीपुरी में अगस्त्य जी महाराज अपनी साधना में लगे हुए हैं।
देवताओं के प्रस्तावों के पश्चात उन्होंने काल भैरव और भगवान गणेश से प्रार्थना की है। ऐसा लगता है कि मैं कहीं अपने सद्भाग्य में शिथिल हो रहा हूं, जिस कारण मुझे ये पुण्यमयी पावन नगरी काशी छोड़नी पड़ रही है, लेकिन देव कार्य के निमित्त मैं जा रहा हूं। काल भैरव से मानो आदेश लेते हुए, भगवान गणेश से आदेश लेते हुए अगस्त जी महाराज आगे गए हैं और उन्होंने जब विंध्य पर्वत अपने सामने अगस्त महाराज को देखता है तो इसी के साथ श्रद्धा से झुक गया। श्रद्धा से झुके हुए विंध्य पर्वत को अगस्त जी महाराज ने आशीर्वाद दिया है और कहा है कि मैं अभी कुछ काम से जा रहा हूं, जब तक मैं वापस नहीं लौटता तब तक आप इसी तरह से रहना। ध्यान दें, देव कार्य के निमित्त विंध्य अपनी बढ़ती हुई महिमा में अगस्त जी महाराज के साथ झुका था। अगस्त जी महाराज अपनी तपस्या में, अपनी साधना में एक आधार शक्ति का ही आलंबन लेकर के चल रहे हैं, वह है महाशक्ति। विंध्य पर्वत की अपनी प्रगति तो रुकी, प्रगति रुकने के साथ उत्कर्ष के साथ बढ़ते हुए विंध्य पर्वत का रूप रुका तो सही, उनका व्यक्तित्व झुक गया, लेकिन इसी के साथ एक तपस्वी की तपस्या की अधिष्ठात्री महाशक्ति के वे कृपा पात्र बने। तब से विंध्य पर्वत